मरने मारने का बहुत शौक है ना कबीर अहमद, तेरी मौत तुझे बुला रही है। विराज रुको, विराज, विराज रुको। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आया? तुम चाहते तो तुम हमें पुलिस के हवाले कर सकते थे। हाँ, क्यों लेकर आया हमें? सजा हम अभी देंगे तुझे। रुकवा। आ कबीर अहमद, आ राज, रुकवा। हेलो इमरान, तुम्हें कुछ पता चला मिराज और कबीर के बारे में? कहाँ है वो दोनों? कबीर का फोन भी नहीं लग रहा है। जरा वो दोनों कहाँ हैं ये हमें भी नहीं पता, मगर तुम फिक्र मत करो, कबीर को कुछ नहीं होगा। हमने पुलिस में कंप्लेन कर दिया और हम खुद भी उसे ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कुछ पता चले ना हमें बताना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या कहा उसने? इमरान को कुछ नहीं पता कि वो दोनों कहाँ है, क्या हो रहा है। रीमा में बहुत फिक्र हो रही है। तू फिक्र मत कर, इतनी टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा सब। आओ, आओ बताएंगे तुम्हें हम। कबीर अहमद, राज रुक जाओ, रुक जाओ। हम तुम्हें बताते, तुम्हें ये डर था कि तुम्हारी बेगम कहीं विराज अली को ना चुन ले। मगर मौत ने तुम्हें चुन लिया है विराज। हमें बताओ कौन हो तुम, बताओ। मैं शरिया बोर्ड का मेंबर क्यों बनना चाहते हो विराज? रुखसार कौन लगती है तुम्हारी? निलुफर है नहीं है तुम्हारी, कौन है वो मिराज? अगर तुमने हमने सच बताया, होशियारी नहीं की, तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें, वरना हम तुम्हारी जान लेंगे आज मिराज। और खुदा की कसम हमें अल्लाह भी माफ करेगा, तुम जैसे शैतान को मारने के लिए। जवाब दो मिराज। अरे हम अपने आप को नहीं मार सकते तो तुम हमें क्या मारोगे? भेजा था अपने उस दोस्त को हमारे बारे में पता करने के लिए, भेजा था ना मेरा उसे, उसने हमारी सच्चाई नहीं बताई तुझे। क्लीन चिट मिलने के बाद भी तुम मिराज अली के बारे में पूछ रहे हो कि मिराज अली कौन है? नाटक था वो, उसका दिखावा था। बताओ हमें कौन हो तुम, क्यों आए हमारे यहाँ? तुम कभी हमारी सच्चाई नहीं पता कर सकते कबीर अहमद, और वैसे भी थोड़ी देर में तुम अल्लाह को प्यारे होने वाले हो। अरे गलती कर दी हमने तुम्हारे साथ, बिजनेस में पैसा डाला, पढ़े रहते अपने बाप के पास नौकर बन के, तब अकल आती तुम्हें। अरे जारा तो तुम्हें वैसे ही छोड़ देगी, बस जारा का दिल हम जीत के उसके साथ निकाह करेंगे, निकाह। बस एक और बार जारा का नाम लिया, खुदा की कसम मिराज आज तुम्हारा आखिरी दिन हो गया।
लेंगे उसका नाम। तुम्हारी बीवी के हुस्न का जादू ही तो है जो मिराज अली यहाँ पे आया। जारा 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 आई लव यू जारा। रोज रोज अलविदा कबीर, जल्दी अपनी बेगम को बाकी के दो तलाक भी दे दो। आएंगे हम तुम्हारी बेगम को लेने बहुत जल्द। कितनी फिक्र हो रही है, सब ठीक है ना? मिराज ने कुछ किया तो नहीं? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? तुम हो कहां कबीर? वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता जारा। तुम सच कह रही थी मिराज। मिराज एक दोस्त के भेस में एक भेड़िया छुपा हुआ निकला। तुम्हें पता है वो हमारा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जारा। तुम जल्दी से घर आ जाओ, हमें तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे तुम हो कहां? क्या हम तुम्हें लेने आए? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेगम, हम खुद आ जाएंगे। अपना ध्यान रखना, जल्दी घर आ जाओ। क्या हुआ? आ रहे हैं ना? कबीर ठीक है, उसे पता चल गया कि विराज दुश्मन है, दोस्त नहीं। सिर्फ दोस्त के नाम का नाटक किया उसने। अरे बच्चों आइए ना, ये लो, ले आए हम तुम्हारी नहुसत का चेक। शुक्रिया। आ, आ, आ। वैसे हमने तो मिस कर दिया नीलोफर, तुमने देखा क्या? क्या देखा? नहीं देखा तो कम से कम सुना तो होगा। बच्चों आप क्या कह रही हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलोफर इतनी भी भोली मत बनो। चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं तुम्हें, आओ। वो तुम्हारा भाई है ना मिराज? उसकी सच्चाई कबीर के सामने आ गई और कबीर उसे सबक सिखाने के लिए यहाँ से बहुत दूर ले गया है। अब मिराज का तो इस घर से जाना तय रहा, तो हमें लगता है कि तुम्हें अब अपना बोरिया बिस्तर पैक करना चाहिए और यहाँ से दफा हो जाना चाहिए बिना इस चेक के, क्योंकि अब ये चेक तुम्हें नहीं मिलने वाला नीलोफर। ये चेक रुखसार की बच्चों यानी हमारे पास रहेगा। देखिए बच्चों, आप हमें मिराज से कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा। जरा सोचिए, अगर जारा को हम यानी आपकी दुश्मन को ये बता देते हैं कि 50 लाख का चेक आयशा अम्मी की तिजोरी से चोरी हो गया, और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि आपने की, तो क्या होगा? तो ये बात जाके तुम जारा को बताओगे, और तुम्हें लगता है कि जारा के साथ साथ इस घर में रहने वाला हर आदमी तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा? देखा, कर दी ना भूल। हमने आपसे कहा था कि हम मिराज से 4 गुना आगे की सोचते हैं। सबूत चाहिए था ना आपको? एक मिनट, कैसे लगे फोटोज?
तुम हद से ज्यादा। कबीर जारा, हमें कुछ काम है, हम जाते हैं। मेरी इतनी चोट कभी मत लगाओ मैं। फिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? क्यों कुछ नहीं बताया? क्या जब मिराज उसकी गंदी नजरें तुम पर लगाए बैठा था, क्यों कुछ नहीं बताया हमें? हम जानना चाहते हैं कि तुमने हमसे शिकायत क्यों नहीं की। जारा, इतना सब कुछ हुआ और तुमने हमें कुछ नहीं बताया? क्या तुम उस वक्त का इंतजार करी थी जब बात और ज्यादा बढ़ जाती और वो तुम्हारी इज्जत पर हमला कर देता? बस कबीर बस। तुम जानते भी हो हम पे क्या गुजरती थी? जब जब वो हमें गलत नजरों से देखता था ना, तब तब हमारी रूह खून के आंसू रोती थी। हमारी इज्जत पे पहाड़ टूट रहे थे, इस घर में किसी को बनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। यही सवाल ना तुम जाके जीनत भाभी से पूछो कि उन्होंने तुम्हें या फिर इस घर में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया कि मिराज ने धमकी दे रहा था। जानते हो जवाब क्या मिलेगा? जवाब ये मिलेगा कि अगर वो अपना दर्द किसी को भी बताती तो आज उनका बेटा अमान इस दुनिया में नहीं रहता। कई बार जुबान कुछ नहीं बोलती है कभी, लेकिन आंखें सब कुछ बोल देती हैं। एक बार हमारी आंखों में तो देख लेते। हमने बहुत बार कोशिश की कि तुम्हें सब कुछ बताए, लेकिन कभी तुमने सुना नहीं, कभी हम बता नहीं पाए। कबीर हमें कुछ बात करनी है तुमसे। हम मिराज को शरिया बोर्ड का मेंबर नहीं बनवाना चाहते। बस जारा बस, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हारा जो इन्वेस्टर है वो कभी नहीं। बात तो सुनो हमारी। नहीं, हम तुमसे पहले भी कह चुके कि इस बार में हम दोनों बात नहीं करेंगे। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी मिराज के नाम की, फिर हमें लगा चलो हमारा कबीर है ये, और हमारा कबीर हमारी आंखें तो पड़ ही लेगा ना। वो मिराज तुम्हारे लिए फरिश्ता बन चुका था कबीर, क्योंकि वो तुम्हारा सपना पूरा कर रहा था, तुम्हारे प्रोजेक्ट में पैसे लगा रहा था, और हम क्या थे? एक तलाक वाली बीवी। खुद से पूछो ये सवाल कि अगर हम तुम्हें कुछ बोल भी देते क्या तुम हमारे यकीन करते? पूछो खुद से, क्या तुम एक तलाक वाली बीवी का यकीन करते? और मिराज पे इल्जाम लगाना ना बेवकूफी है। वो एक ऐसा इंसान, ऐसा दरिंदा है जैसे एक तलाक वाली लड़की और तीन तलाक वाली लड़की में कुछ फर्क ही नहीं पता। उसको सिर्फ खिलौना चाहिए, कहीं भी किसी भी कीमत पर मिले। तुम उसका खिलौना थे कबीर, और तुम्हारी वजह से हम उसका खिलौना बन गए थे। एक बार सोच तो लेते कुछ बोलने से पहले।
सर पे पहाड़ टूट रहे थे, इस घर में किसी को बनक तक नहीं लगी। अरे कम से कम एक बार हमारी आंखों में झांक कर तो देख लेते कि किस दर्द से गुजर रहे हैं हम। कबीर, और ये क्या है? बेगम, क्या सुन रहे हैं हम? कबीर, कहा या अल्लाह, ये सब क्या है कबीर? अरे हाथापाई हो गई ना? इसके और मिराज के बीच में। और इतना ही नहीं, दोनों झगड़ते झगड़ते प्रोजेक्ट साइट तक पहुंच गए। या अल्लाह, ऐसा क्या हो गया कि दो इतने अच्छे दोस्त, दो पार्टनर्स अचानक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए? जाओ अलीना, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। और तुम बैठो, बैठो पहले तुम। अम्मी, हमें कुछ नहीं हुआ अम्मी। तुम चुप करो बेटा। एक सेकेंड। तुम बहादुर शेर हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी। क्या हुआ कभी? अबू, हम आपको सच बताएंगे मगर अभी नहीं, क्योंकि हमें अभी निलोफर से बात करनी है। अलीना, निलोफर को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम कमिश्नर साहब, शहबाज अहमद बोल रहे हैं। एक गुजारिश थी, अगर आज शाम आप हमारे घर आते हैं एक कप चाय पीने के लिए तो हम आपके बहुत एहसान मंद होंगे। अबू, आपने हमसे अब एक सवाल किया था कि सच क्या है। अबू, सच तो ये है कि मिराज को पहचानने में हम सब ने बहुत बड़ी भूल कर दी। जिसे हम अपना समझते थे, अपना कहते थे, वो पीठ में छुरा भोंकने वाला दुश्मन निकला। ये सब क्या कह रहे हो तुम? मिराज तो किसी मकसद के तहत यहाँ आया था, मकसद क्या है हम खुद नहीं जानते। अबू, उसने तो हम सबको इतना बहकाया कि हमें से कोई भी उसका असली चेहरा देख ही नहीं पाया। आपको अंदाजा भी है इस घर में क्या तूफान चल रहा था? तुम साफ साफ क्यों नहीं बताते हमें? मिराज ने धमकी दी थी कि वो अमान को जान से मार देगा। उसने जारा को गंदी नजरों से देखा और ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था, हम में से किसी को एहसास नहीं हुआ। और जो लोग जानते थे, डर के मारे उन्होंने अपनी जुबान नहीं खोली। हमने उसे अपनी औलाद की तरह समझा और उसने हमारी घर की बहू बेटियों पे बुरी नजर डाली। अल्लाह कसम, हमारे सामने आ जाए हम उसे छोड़ेंगे नहीं। भाभी, हम कबीर अहमद इन सारे चीजों के जिम्मेदार हैं। हम मिराज को एक बहुत ही अच्छा इंसान समझने लगे थे, ऐसा इंसान जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, एक फरिश्ता। अगर जारा खुद हमें ये सारी बातें आकर बताती ना, यकीन नहीं करते हम उसका। इसलिए आप सबके सामने हम जारा से माफी मांगना चाहते हैं। हम बहुत शर्मिंदा है, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ कितनी नाइंसाफियां की। एक शौहर होने के नाते घर में आने वाले एक अजनबी इंसान की गंदी नजरें तुम पर थी और हम नहीं देख पाए। पता है क्यों? क्योंकि हम तुमसे नाराज थे। प्रोजेक्ट का नया जोश चढ़ा हुआ था तो हम कुछ नहीं देख पाए। उस ढोंगी ने हमें और इस पूरे खानदान को बेवकूफ बनाया। माफ करना कबीर, आपकी बात को बीच में रोक रहे, अगर मिराज ढोंगी है तो ये निलोफर, ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है?
ये उसकी बहन है भी कि नहीं। सुना आपने निलोफर जी, कौन है आप? हम रुखसार की दोस्त हैं, लेकिन हम उसकी स्कूल की दोस्त नहीं है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था। रुखसार ने हमें यहाँ बुलाया था ताकि हम कबीर को मिराज से बचा सकें। ताकि मिराज कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। और इसके लिए रुखसार ने हमें 50 लाख रुपए भी दिए थे। रुखसार को दुबई से बुलवाना पड़ेगा, अब वही सारा सच बताएगी हमें।